यार मैंने मतलब अभी स्मैकडाउन देखी और मैंने ये न्यूज़ सुनी और मेरा दिल बहुत ज़्यादा इस वक्त टूटा हुआ है कि ब्रे वाइट यानी कि उनका रियल नेम मुझे नहीं आता, बस मुझे उनका सर नेम आता है रोटोंडा, इज पास अवे। तो भाई यार बहुत ही दुख हुआ और वो भी 36 साल की उम्र में। तो सब लोग RIP ब्रे वाइट कर दो, सब लोग OP ब्रे वाइट कर दो, सब लोग OP प्रिंट कर दो, सब लोग OP ब्रे वाइट कर दो। तो ये जो आज का गेम प्ले होने वाला है, होने वाला है ट्रिब्यूट टू ब्रे वाइट, जिसके अंदर हम उनकी कुछ ड्रीम मैचेस, जो मतलब ड्रीम मैचेस थे कि ब्रे वाइट वर्सेस ये, जैसे फर्स्ट होने वाला है द फीड वर्सेस द डीमन ये, और जैसे कुछ उनके स्पेशल मैचेस, कुछ उनके ग्रेट मोमेंट्स, कुछ उनके स्पेशल मैचेस ये सारे वगैरह। तो ऐसा हम गेम प्ले करने वाले हैं आज। तो मेरे पास दो रेसलिंग गेम्स है जिसके अंदर 3 ब्रे वाइट इसके अंदर है और 1 ब्रे वाइट उसके अंदर, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो फर्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं। ड्रीम मैच होने वाला है क्योंकि हमने देखा है द फिंड वर्सेस फिन बैलर, द डीमन वर्सेस ब्रे वाइट, बट वी नेवर सी द फिंड वर्सेस दिस द डीमन। तो बस स्टार्ट करो। तो गाइस सारे मैचेस के साथ हम कुछ ना कुछ गिमिक लगाएंगे। जो फर्स्ट मैच होने वाला है वो होने वाला है एक हेल इन अ सेल, गाइस हेल इन अ सेल मैच। तो ये होने वाला फर्स्ट, तो ठीक है चलो यार। और अभी मैं वो वाला एलिमिनेशन चेंबर भी करवाऊंगा जिसके अंदर ब्रे वाइट फर्स्ट टाइम अपना WWE चैंपियनशिप जीते थे। तो यार ये इतना रिवर्स क्यों कर रहा है, मैंने तो डिफिकल्टी नॉर्मल में लगाई थी ऐसा इसमें। तो मैंने कहा था यार ये ब्रे वाइट का स्पेशल वीडियो है तो इसमें तो कोई झोल झपाटा नहीं जाता हूँ मैं। एक सेंटॉन, एक लात इधर आजा मेरे भाई, सुन मेरी बात, खा ले तू एक और लात। एक क्लोज लाइन ये खा केज के अंदर, केज के अंदर खाए तूने एक क्लोज लाइन, और ये ले मेरे भाई, और ये ले जा तू सेल के अंदर, सेल के अंदर भाई, सेल के अंदर इसको सेल के अंदर टकरा टकरा के मारूंगा भाई मैं। ब्रे वाइट क्या करने लगे, एक ड्रॉप की एक से फिंड को, फिंड ने निचोड़ दिया उन्हें। फिंड भाई निचोड़ आयो, क्यों निचोड़ आयो भाई, यहाँ से कूद जा भाई, फिंड भाई कूद जा कूद जा, ये भाई फिंड के जैसा जज्बा चाहिए। खड़ो तुझे मैं एक आयरिश विप और देता हूँ, एक और आयरिश विप देता हूँ, एक और ड्रॉप किक देता हूँ, एक और सुपलेक्स देता हूँ। ओ भाई साहब केजेस वीक हो रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा केजेस वीक हो रहे होंगे अभी तक तो मुझे लग रहा है। वाइट की तरफ से एक और मनूवर, वाइट अब खड़ा करके इन्हें देंगे अपना सिग्नेचर, ये स्लीपर स्लैम, वी कॉल्ड इट स्लीपर स्लैम, वी क्या भाई गेम नहीं, स्लीपर स्लैम कॉल्ड करता है ये। सेल फिनिशर टाइम, सेल के ऊपर से भी इसको फेंकेंगे और फिर पिन करेंगे। सेल फिनिशर टाइम, खड़ा कर दिया तुम्हें, और भाई 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 यहाँ पर चल भाई चले ऊपर। और यार ब्रे वाइट सिर्फ 36 ईयर्स की एज में भाई, मतलब कितने यंग थे, और उनके 3 बच्चे थे जिनमें से उनके 2 डॉटर्स एंड एक उनका बेटा था। तो भाई बहुत ज़्यादा दुख की बात है, और वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। और एक फ़ोटो मैंने जैसे अभी सुबह पोस्ट भी की थी, वो भी बहुत ज़्यादा वो थी इमोशनल, जिसमें लूक हार्पर और ब्रॉन्स ग्रे वाइट बादलों में दिख रहे हैं और ब्रॉन्स रोमन और एरिक रोमन इन दोनों को देख रहे हैं। तो दैट्स वॉज वेरी मतलब इमोशनल टाइप की फ़ोटो। और अब ग्रे वाइट और लूक हार्पर टैग टीम बनाएंगे हेवन के अंदर, ये करना चाह रहा था मैं इस भाई साहब के साथ, जा तेल लेने। अब यहाँ पर थोड़ा सा आग मार लें अपन, खड़ा होने में अभी उसको साल लगाएगा। या वी वावी, अभी थोड़ा ब्रेक गाना गाते हैं। इस कप्ता इस गोदा हो, और भाई वीडियो मतलब मैंने स्टार्टिंग में देखी, तो ये मैं उसकी सेकंड डे बना रहा हूँ और ये आएगी सेकंड डे चैनल पे, मतलब ब्रेक की डेथ के। फर्स्ट डे तो मैं इतना शॉक में चला गया था, आई डोंट मतलब मैंने स्मैकडाउन का बस स्टार्टिंग देखी, 10 बेल सल्यूट दे रहे थे। एक तो हॉल ऑफ फेमर है टिक फ्यू,
उनका मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन देखो वो उनका भी दुख है ऑफ कोर्स, एक इंसान जाता है इस दुनिया से, दुख तो होता है चाहे आप उसको जानते हो ना जानते हो, लेकिन दुख तो होता है इंसान को। लेकिन ब्रेवाइट यार, जिसको आप नहीं जानते होते उसका भी दुख होता है, लेकिन जितना दुख ब्रेवाइट को हुआ ना, क्योंकि ब्रेवाइट को मैं जानता था। और मैं एक फैक्ट की बात बताऊँ, जो फर्स्ट मैंने WWE का कोई शो देखा था, तो वो शो था हेल इन अ सेल 2015 था या आई थिंक 14, तो कुछ ऐसा ही था, जिसके अंदर मैंने जब लगाया था अपने पापा के साथ, मैं देख रहा था, तो जब मैंने लगाया था तो मैच हो रहा था केन वर्सेस सेथ रॉलिंस, और उसके बाद हुआ था अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। लेकिन फिर तुम्हें याद होगा जो जो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे देते हैं, देखते हैं WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट्स, उनको पता होगा कि सोनी वाले फिर दोबारा रिपीट करते हैं, जैसे ही ख़त्म होता है तो दोबारा रिपीट करते हैं। तो मैं और पापा वो देख ही रहे थे कि दोबारा रिपीट कर दिया उन सोनी वालों ने। तो हम लोगों ने देखा, तो उसका आई थिंक फर्स्ट मैच था या सेकेंड मैच था, कुछ ऐसा ही करके मैच था इन दोनों का, रोमन वर्सेस ब्रे वाइट का। तो वो बहुत ही क्लासिक मैच था, और मैं अभी भी तुम लोगों को कहता हूँ कि अगर तुम लोग को कोई क्लासिक मैच देखना है ना, फुल क्लासिक किस्म का, वो मैच ज़रूर से देखना, ब्रे और रोमन का। वो कितना भाई, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो पेस था, उसके बाद जो पेस पकड़ा है मैच मैच ने भाई, ऐसा मैच आई नेवर सीन इट, बहुत क्लासिक, बहुत क्लासिक, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक, आई लव इट। मतलब मुझे उस टाइम तो पता भी नहीं था कि क्लासिक मैच क्या होता है, ये मैच क्या होता है, क्योंकि उस टाइम तो फर्स्ट टाइम मैं WWE देख रहा था, तो मुझे क्या पता होगा। लेकिन हाँ भाई, बहुत मुझे मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था वो मैच। आई वाज लाइक यार, इतना कमाल का मैच, कैसे इन दोनों बंदे रेसल कर रहे हैं। सिग्नेचर नीचे जा भाई, मैंने उसको सेकंड सिग्नेचर देना था, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। सेकंड सिग्नेचर पर नेक्स्ट मैच में देख लेंगे, क्योंकि सब फिंड का और सारे ब्रेवेट्स का एक ही जैसा मूव सेट है, ये ले सिस्टर एबिगेल। नाउ इट्स टाइम टू पिन हिम, 1 2 3 हो गया है। और नेक्स्ट मैच होने वाला है इन्फर्नो मैच, आई थिंक सो। हाँ, इन्फर्नो मैच लेके लगाएंगे अपन, और वो भी करेंगे रैंडो ऑर्डर के साथ। नेक्स्ट मैच अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि वाला वाला रैंडो ऑर्डर में सब ओ वाली स्वर्ट, मैंने वही वाला फेंड ले लिया। 1 मिनट लगेगा गाइस, 1 मिनट लगेगा। तो गाइस ये वाला फेंड लेना था, मैंने जला हुआ फेंड, तो मैंने वही वाला फेंड ले लिया था, नॉर्मल वाला। तो मैंने कहा नहीं यार, ये ले ऑर्टन, ऑर्टन को भर भर के मारना है यार, ऑर्टन सर भर भर के मार खाओ, थप्पड़ पे थप्पड़ खाओ, नाक पे नाक खाओ, घूसे पे घूसा खाओ। वाइट बन के भाई नेक ब्रेकर भी दे दिया, सैंटॉन भी दे देते हैं ऊपर से भाई, एक अलग किस्म का सैंटॉन ऐसा। ये टॉप रोप सैंटॉन देख के मुझे ड्रैगन ली देते हैं, ये जिनको पता हो गया NXT के सुपर स्टार हैं वो देते हैं भाई, ऐसा ऐसा वाला जैसा। नहीं, ये ब्रे वाइट ने दिया टॉप रोप से, ब्रेवर तो नॉर्मल सेंटोन लगाते थे, जो रे ने भी ट्रिब्यूट देने के लिए उनको लगाया अपने मैच में अगेंस्ट ग्रेसन वॉलर। भाई ये मनोवर पर मनोवर मार मार के मेरे पास सिग्नेचर आ चुका है, अभी दूसरा सिग्नेचर का टाइम आ चुका है। इट्स टाइम फॉर आवर सेकंड सिग्नेचर, जो कि ये होने वाला है कि यूरेन आगी, रोमन यूरेन आगी कहते हैं, और ग्रेबी आई थिंक सो यूरेन आगी कहते थे इसको, फिनिशर। अभी भाई मुझे इनको आग की तरफ लेके जाना चाहिए, मैं प्रेस तो कर रहा हूँ बहुत जोर से। अबे क्या प्रेस करना था यार, मुझे तो पता भी नहीं चला। भाई यार ये शेक हो रहा है, ड्रैग तो मैंने से ऑलमोस्ट कर लिया है, बीच वाला दबा दबा के, अब छोड़ देना पड़ेगा ना, क्योंकि 515 से गिर गया भाई, 500 से गिर गया, 415 हो गया। जल्दी से मैं इसको सिग्नेचर और फिनिशर लपेटूँ, 2 सेंटॉन्स में तो इसकी काम खलास होने ही वाला है। एक और सेंटॉन, 3 सेंटॉन्स भाई, तो मेरी भी सटक गई 3 सेंटॉन्स दे दे के। वाइट भाई वाइट, वाइट 6 भी हमें नहीं देखने को मिली, अपन लोगों ने कितना सोचा था कि वाइट 6 देखने को मिलेगी, इतना मज़ा आएगा, लेकिन यार गॉड को सब पता होता है। मैं खड़ा कर खड़ा कर सिस्टर एबिगेल दे, सिस्टर एबिगेल, सिस्टर सिस्टर वाला एबिगेल। भाई भाई आग आग से जल सकते हैं अभी अपन, क्योंकि भाई 500 डिग्री है सेंट वो। अबे ये क्या दे रहे हो सर,
सर जी ये नहीं देना था, स्लैम मारने लग गया भाई तुम तो यार। फ्रीजिंग 500 डिग्रीज था, अभी तो ख़त्म हो जाएगा ये, जब तक ये इसने इसको खड़ा करना है वो उससे ख़त्म हो ही वाले होने हैं। इसको ग्रैब करना है भाई, इसको ड्रैग कर करके लेके जाना है, इसको ड्रैग करके लेके ले जाना है, ड्रैग कर करके लेके जाना है, ड्रैग ड्रैग ड्रैग। यार 445 पे आ गया, कम हो गया यार, कम हो गया। अभी इसको दो मुक्के मैंने बजाने हैं और फिर आ जाएगा मेरा सिग्नेचर, फिर से सिग्नेचर आने वाला है यार। मेरा सिग्नेचर आ गया, बस ये आ गया मेरा सिग्नेचर, बस मुझे अब इसको एक एक मोड में सिग्नेचर, तीसरी दफ़ा ये वाला सिग्नेचर खाओ भाई हॉटन। अभी फिनिशर का वक्त आ चुका है, एक और फिनिशर खाओ जी। तीन फिनिशर भी पड़ चुके हैं ऑटन को। अबे यार ऑटन अब तू इधर आ जा भाई, अब तेरे पंगे नहीं चाहिए मुझे, अब तेरे पंगे नहीं चाहिए, अब तेरे बिल्कुल पंगे मेरे को चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ड्रैग कर तो रहा हूँ भाई मैं इसको, कितना ड्रैग करूँ, आग पे भाई लेके जा चुका हूँ मैं इसको ऑलमोस्ट। अभी क्या करना है भाई, अभी क्या करना है, थैंक द ऑटन को एंड वी आर द विनर ऑफ इन्फर्नो मैच। और ऑटन की आग लग चुकी है चड्डी पे, तो इट्स प्रीटी फनी। बट चलो यार अभी हम नेक्स्ट मैच करते हैं, और ये सीना के कुछ दुश्मन थे जो उनके ग्रेटेस्ट दुश्मन है, उनमें उनके साथ मैचेस करवाए मैंने। तो भाई ग्रेट दुश्मन फील्ड के बात कर रहे हैं, तो भाई एक और ये मैच कर देते हैं, एक नॉर्मल मैच नहीं, एक नॉर्मल मैच रखते हैं नेक्स्ट मैच को। ये वाले फील्ड भी नहीं यार, मैं भाई दूसरे तीसरे फील्ड ले ले रहा हूँ। ये वाले ब्रेव किधर गए, किधर गए, किधर गए, किधर गए, किधर गए हैं ये वाले ब्रेव वर्सेस करेंगे अपन 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। और उस रेसलमीनिया का भी अरीना स्पेशली इसमें जिस रेसलमीनिया में सीना वर्सेस ये हुआ था, क्या नाम है अपना वाइट, उसमें 19 में हुआ था ले उस टाइम पर प्ले। चलो भाई यार शुरू हो जाए मैच, अभी अपन मारेंगे इसको भर भर के। ये ब्रे वाइट है, वो दो फीमेल है, और ये ब्रे वाइट है, ये ब्रे वाइट, ये वो वाला वाइट, ये आई थिंक ईटर ऑफ द वर्ल्ड वाला गेम है ब्रे का। ये लगते थोड़ा थोड़ा फील्ड जैसे ही हैं, थोड़े थोड़े क्या सारे फील्ड जैसे लगते हैं, मगर क्या करें भाई, ईटर ऑफ द वर्ल्ड ये हमारा। इनको मैं थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा देता हूँ तुम लोग के लिए, तुम लोग को आई थिंक सो मेरी आवाज़ भी आ रही होगी साथ साथ भर के एकदम। यार ये आवाज़ ना मुझे लग रहा है कि फिर तुम्हें नहीं आएगी, मुझे फिर ऐसी वाइब आ रही है नहीं आई ना तुम्हें। इसको पकड़ के मारा इधर, इसको पकड़ के मारा इधर, और ये ले इधर खड़ा हो भाई, तू क्या खुद को समझ रहा है, तू वाइट के सामने बहुत कुछ उसकी ना सर। बहुत पुराने दुश्मन है सीना उनके, इसमें वाइट फैमिली के टोटल मेंबर्स नहीं है। तो उस गेम के अंदर अपने एक वाइट फैमिली वर्सेस द शील्ड भी करवा देंगे, अगर तुम बोलते हो उसके अंदर करवा दे वाइट फैमिली वर्सेस शील्ड, लेकिन इसके अंदर फिर मेरे पास दो ही हैं वाइट फैमिली के मेंबर्स, इसके अंदर मेरे पास दो ही हैं, एक तो वो वाले ब्रॉन स्ट्रोमन है, एक ये। What? Sina, what? भाई सीना तो सुपर ह्यूमन, सीना जॉन फेंथोनिक सीना, जॉन सीना को उठा के ये मारा जोर से। और अभी फिर मैं दूसरी गेम भी खोलूंगा क्योंकि भाई उसके अंदर भी तुम्हारे साथ तुमको मैच लगाना है। ये भाई कूदा, दबा के कूदा इस पर, अभी मेरे को लाना अपना दूसरा सिग्नेचर, और ये ले एक लाख, यू कांट सी मी मुक्का मारा, हेल्थ से रिवर्स किया, ये मारा, ये मारा,
एक और मारेंगे भाई अभी टॉप रोप सेंटोन भाई, फुल फुल भर भर के मैं उसको मार रहा हूँ, फुल भर भर के। भर 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 के मैं ऐसे मारने वाला हूँ अभी विंस फोर प्रेसिडेंट भाई, विंस मैकमैन को प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे हो यूएसए के, यूएस पूरे WWE के लगा दिए, अब यूएसए के भी लगा दे। और ब्रे वाइट के लिए यार बहुत ह्यूज प्लान्स थे अभी, जैसा मुझे मैंने रूमर्स वगैरह सुने थे। फर्स्ट तो था कि वो रोमन रेन से फाइट करेंगे एज अ फीन ब्रे वाइट वाला गिमिक लेके अपना, और साथ में वो उनका ये था कि अगले साल या इस साल तक उनको वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन भी बनवाना था। तो सारे प्लान्स इंसान के ऐसे रह जाते हैं, सारे प्लान्स मतलब गॉड के हैं, हमारा कोई भी प्लान काम नहीं करता। इज द मास्टर प्लानर द गॉड, भाई गॉड है मास्टर प्लानर, उनके लिए कितना सोचा होगा। और उनके फादर यानी कि माइक रोटोंडा, उन्होंने खुद कहा था कि बस ब्रे वाइट अब नेक्स्ट इन द लाइन है रिटर्न करने के लिए, और 6 दिन पहले उन्होंने ये कहा था, ज़्यादा पर से पहले नहीं कहा था, उन्होंने कहा था बस 6 दिन पहले ये, और 6 दिन बाद उनके बेटे चले गए यानी कि ब्रे वाइट, और सिर्फ 36 साल की उम्र में यार, इतनी यंग एज में, ऊपर से उनके 3 बच्चे हैं। तो गाइस ये लो सिस्टर एबिगेल, अंधे आदमी सीना, सीना मैं कूद जाऊंगा भाई बहुत तेज से बता रहा हूँ। सीना क्यों यार मजे लेना चाह रहे हो, सीना इधर आ जाओ, सीना सीना कम ऑन, सीना सिस्टर एबिगेल खा लो सीना। अभी फिर हम वो वाला WWE वर्ल्ड वो वाला वो यूनिवर्सल चेंबर करवाएंगे, ओ लेट्स गो, कुछ राइवल्स के साथ ब्रेक मैच हमने करवाया, अभी अपन वो वाला चैम्बर करवाते हैं जिसके अंदर फर्स्ट टाइम ब्रे वाइट चैंपियन बने थे वो वाला, उसके अंदर हमारे कंपेटिटर्स थे एजे स्टाइल्स, एजे हैं उसके अंदर, एजे हैं क्या नाम है अपना, डीन है, और कौन थे, डीन थे, कॉर्बिन थे, डॉल्फ थे, मिस थे, वो ले चैंबर लगाते हैं। फिर उसके बाद अपन एक आखिरी मैच करवाएंगे शील्ड ब्रदर्स के साथ उनका, वो एलिमिनेशन टैग लगा दिया मैंने, सॉरी एलिमिनेशन टैग नहीं, एलिमिनेशन चैंबर नॉर्मल 6-1, आई विल बी दैट वाला ब्रे वाइट, दैट इज द ओपीएस्ट ब्रे वाइट आई एवर विटनेस। तो वही वाला ब्रे वाइट बनेंगे अपन, ईट ऑफ वर्ल्ड्स वाले ब्रे वाइट। एंट्री ऑर्डर रैंडम नहीं रखने वाले अपन, रखेंगे 1 पे अपन सबसे पहले आएंगे, उसके अंदर रैंडी भी थे, हाँ रैंडी भी थे, रैंडी एजे थे एक, तो मुझे सबसे ज़्यादा याद एजे का है, एजे रैंडम एजे मिस, आई थिंक सो मिस भी थे उसके अंदर, मिस एंट्री रैंडम कॉर्बिन उसके बाद डॉल्फ सिग्लर नजर आ रहा है तुमको यहाँ पर, बॉबी लेस्टी, ब्रॉक लेस्टर, क्रिस जेरिको, एल ए नाइट, जॉन मॉक्सली, केन, रोमन रेंस, बटिस्टा, एडम कोल, वी डोंट हैव डॉल्फ सिग्लर, कॉर्बिन जरूर से है अपने पास, कॉर्बिन भी है अपने पास, बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं मतलब डीन भी है, कॉर्बिन भी है, चलो यार पूरे हो ही जाएंगे, उनको डॉल्फ को निकाल देते हैं फिर मैच से। बैरन किधर है, पीछे था ना, ये पीछे नहीं, बैरन पीछे नहीं था, अगर आगे होगा बैरन कॉर्बिन, बैरन कॉर्बिन तू आ जा, जॉन मॉक्सली किधर के, किधर के, किधर के, जॉन मॉक्सली नाम है लेकिन ये वही वाले सही वाले डीन एंड्रयू हैं। चलो ये मैच खेलेंगे, इसके बाद एक अपन को खेलना है सेठ के साथ, सेठ के साथ खेलें, मैं सोचता हूँ सेठ के साथ उस गेम में खेलें, देखते हैं अभी अपन,
स्टार्ट हो, फिर अपन लोग स्टार्ट होते हैं। मैच हैज बीन स्टार्टेड। और यही वाले एज स्टाइल सेम यही पैंट थी एजे की, जब एजे ने फाइट किया था उस वाले मैच के अंदर। अभी चल जाओ भाई ऊपर, यही डीन है उसकी गिमिक था। और ये शेकुदा अपन शेकुदे वाइट बन के हम मार नहीं लगे थे अपन। छोटो जापान वाले एजे की पैंट बनाई है ना, क्योंकि जापानीज लिखी हुई थिंक्स विद नॉमिनल वन जापानीज के अंदर लिखा हुआ है थिंक्स विद ना फिनोमिनल। यहाँ पे एक साइड पे तो पी वन लिखा हुआ है यानी फिनोमिनल वन। एक और सेंट ऑन, एक एक सम एक उनका सिग्नेचर लगा दिया है हमने। अभी देखते कौन आता है भाई नेक्स्ट पे। खड़े हो जा भाई, खड़े हो जा, खड़े हो गया सिस्टर एबिगेल खा जा। और एक बंदे के आने से पहले एक बंदा गया। 1 2 3 या भाई अभी एक स्टाइल मार दो। ही इज गॉट द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड्स, ही इज गॉट द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड्स भाई। डीन एब्रूज, अबे यार अबे यार अबे यार मुझसे एक मिस्टेक हो गई, सीना को नहीं लिया। चलो यार सॉरी सीना, उस ओरिजिनल मैच के अंदर सीना भी थे। सॉरी सीना मैंने आपको नहीं लिया सर, सॉरी सॉरी शुरी शुरी आपकी जगह मैंने ऑटन को ले लिया, ऑटन को ले लिया। गलती होगी तो गलती होगी। अभी आ जाते हैं ऊपर, कूद कूद के तुझे हराऊं भाई मैं जल्दी से। बस मेरे ऊपर एक मन हुआ तेरे को और दूंगा और मेरे पास सिग्नेचर आ जाएगा। नहीं आया, अब आ जाएगा, टेंशन नहीं है वैसे जिंदगी में। भाई यार ये तो रिवर्स कर दिया इनका सेकंड सिग्नेचर। भाई रिवर्स करता है, रिवर्स करेगा मेरा सेकंड सिग्नेचर। अब तो तुझे सिग्नेचर तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन मैं अभी नहीं दूंगा। सेकंड कंपेस्टर आने वाला है, इससे पहले आप खड़े हो सर, आपको मुझे एलिमिनेट करना है सेकंड के सेकंड बंदे से आने से पहले। एक सिग्नेचर लगा दिया, अब खड़े हो जाओ आप। खड़े हो खड़े हो खड़े 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 तीन खड़े हो रहे हैं। फिनिशर टाइम, फिनिशर टाइम। रैंडे ऑर्टन आया रिंग के अंदर और मुझे पिन करने दो इसे। यार मुझे पिन करना था ना इसे, पिन करने दो। 1 2 किक आउट। व्हाट भाई व्हाट, किक आउट किक आउट भाई भाई ये दोनों तो डबल टीम करके मारने लग गए सांप भाई। आपको भी डसेगा भाई, आज तो ज्यादा बड़े सपोले ये निकल रहे हैं। हाँ ऑर्टन और इनकी भी एक टाइम पे होती थी टीम, टीम किया है वैसे ब्रेवर्ट के साथ भी रैंडी ने एक दफा अपनी करियर में, अपने करियर में एक दफा किया हुआ है इनके साथ भी टीम अप। खड़े हो रहे हैं भाई, इनको इनको गिरा गिरा के मारो भाई। एक बंदे को भी मुझे एलिमिनेट करना ही है क्योंकि भाई चार बंदे आ चुके हैं भाई मेरे रिंग में। मैंने सोचा था दो दो भाई एक बंदा रखूँगा, एक बंदा गया। डैनियल ब्रांड भी बहुत अच्छे दुश्मन है ब्रे के, उनको कैसे मैं भूल गया। ब्रायन डैनियलसन या डैनियल ब्रायन जो बोलना है बोलो। मेरा सिग्नेचर आ चुका है कॉटन। आप नहीं, आप मेरा टारगेट नहीं हो, तो मत तंग करो मुझे। फिर मैं आपको नहीं मारना चाह रहा हूँ, तो आप इतना भाई पंगे ले रहे हो। जब मैंने मारने पे आना फिर आपने कही जाना नहीं मार नहीं मार। फिनिशर, दैट्स व्हाट आई वांट, बस पिन कर लो इसका निकम्मे का। 1 2 3 यू वन द मैच। ऊफ भाई ऊफ भाई ऊफ ऊफ भाई ऊफ ऊफ भाई ऊफ। भाई ऊफ ऊफ भाई। चलो भाई ऑटन विंस मैकमैन, अबे यार भी आई थी छोड़ता भी नहीं है भाई ये टकला कॉर्बिन। मिस भाई आप इधर आ जाओ, आप मेरे शिकार हो। अभी आपको वाइट अपने वर्ल्ड में वेलकम कर रहे हैं। अब पंगे नहीं चाहिए, अब फिर
कॉटन पे गंदी नजरें नहीं रखनी ना मुझे, मुझे किसी और पे रखनी है। तू मेरा शिकार है, तू भाई भागी जा रहा है। खड़ा होगा, खड़ा होगा, ये भी खड़ा होगा मेज, और मेज को लपेट लेंगे। इसके साथ ही अपन मिस के बच्चे खो जाओ ना। सुन पिन्नी, 1 2 3 पिक्स आउट कॉटन, इधर आओ भाई। एक और मारा इसको भी भाई, कमर में देना है भाई, कमर में ऑटन के मार रहा हूँ मैं। उसे रिवर्स कर दिया ऑटन ने, मैं दूसरा सिग्नेचर दूंगा स्लीपर स्लैम इस दफा, अगर मुझे मौका मिला तो। इधर आ भाई, अब तुझे नहीं छोड़ने वाला भाई तेरा भाई। इट इज नाइस दैट इसको तो दिया भाई अपन ने एक सिग्नेचर, और अभी पिन कर लेते हैं यार ऑटन से। अच्छा मैं इसको ही दे देता फिनिशर, लेकिन ऑटन भाई आप तंग कर रहे थे बहुत ज्यादा। मैं स्कॉर्पियन टकले को नहीं रखना चाह रहा था, आपको रखना चाह रहा था, उस टकले को नहीं रखना चाह रहा था। टीम अप भाई, टीम अप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये लो सर, ये ले, तू भी टकले, टकले भी नहीं, अभी तो इसके बाल है भाई, टकला नहीं है अभी। ये ले, ये लो, ये ले, ये वार्टन और वाइट, तो एकदम वाइट फैमिली वाले डेज के क्या कर रहा भाई। इसको सिग्नेचर देना है मुझे, आई जस्ट वांट टू पिन हिम। वाह बहुत तंग कर दिया ऑटन आपने मुझे, नाक में दम कर दिया सीरियसली। अब मैं आपको पिन कर दूंगा, 1 2 3 इधर आ भाई। अब तुझे मैंने एक ही देना है, एक रनिंग मूव, एक और एल्बो ड्रॉप, एक भाई कॉर्बन को कैसे उठा के फेंका है अपन ने। दौड़ते रहूंगा, देख मेरी तरफ, सिस्टर है बिगेल। 1 2 3 तो गाइस अभी मैं नेक्स्ट रेसलिंग गेम लगा के आपसे मिलता हूँ। चलो गाइस मैंने एक और मैच इसके अंदर सोच लिया, कि कोई इसके अंदर जो शील्ड है वो रियल वाली शील्ड है, तो मतलब कपड़े वो जो इनका कस्टम डिजाइन था वो वाली शील्ड है। तो एक हैंडीकैप मैच लगा लेते हैं, उसके बाद अपन उस गेम में मूव ऑन होंगे और उस गेम में कुछ मैचेस करेंगे। तुम लोग सोच रहे हो ब्रॉक के साथ क्यों नहीं कर रहा है, ब्रॉक के साथ तो ब्रेक रहता है, तो उस गेम के अंदर करेंगे। फर्स्ट एक हैंडीकैप कर ले, 2-on-3 हैंडीकैप। हाँ तो अपन बनेंगे भाई हैंडीकैप वाली साइट, जिसके साथ हैंडीकैप होने वाला है। फर्स्ट आई वुड टेक ब्रेवाइट, किधर गया भाई ब्रेवाइट, कंट्रोल अप आता है, यस ब्रॉन्ज शोमन। और अभी अपन यहीं पे जाएंगे, और नहीं नहीं भाई ये वाला फील नहीं चाहिए अपने को, मौसमन इसके बाद अपन को ये वाला फील नहीं चाहिए अपने को, चाहिए सेथ रॉलिंस, वेयर आर यू रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस। नो भाई, चलो भाई बस मैं 1 मिनट सही हो जाओ, शायद आवाज़ थोड़ी कड़कड़ कड़े इस टाइम। ओ भाई भाई सही हो गया मैं। मेरा पर्सनली फेवरेट जो इनका मैच हुआ था ना, वो था एलिमिनेशन चैम्बर का प्रीमियम लाइव इवेंट, एलिमिनेशन चैम्बर था इसको। हाँ तो अपन एलिमिनेशन चैम्बर से अच्छा है किसी और चीज़ का रिंग लगा देते हैं, क्योंकि अभी एलिमिनेशन चैम्बर में तो अभी रिसेंटली हुआ ना मैच, तो अभी अपन लगा देते हैं इस साल का रेसलमेनिया डे 1 लगाऊं, हेलमेट से लगाऊं। हाँ इस साल का रेसलमेनिया बेस्ट रहेगा, नीचे इस साल का रेसलमेनिया, और 1 और 2 और प्ले भाई। अभी ये शील्ड फ्रैक्शन वाले कपड़ों में आएगी, इस टाइम फुल शील्ड वील्ड थी,
ये वो वाला वर्जन है उन लोग का, जैसे वो उस वाली गेम के अंदर इतने ज्यादा वर्जन तो नहीं है उनके का। भाई अभी कर लेते हैं, लास्ट मैचेस के बाद अपन उस गेम में मूव ऑन होंगे। उस गेम में मूव ऑन होने के बाद एक या दो मैच वहाँ पे, एक दो मैच वहाँ पे खेलेंगे, फिर अपन इस वीडियो को बंद करेंगे। तो आप लोग भी अपना अपना रिएक्शन लिख सकते हो जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला। पहले उन्होंने RIP, मैंने मतलब जब स्मैकडाउन देखी तो वो मुझे नहीं पता था कि ब्रेवेट हैज डाइड वगैरह वगैरह, मैंने फ़ोन भी चेक इतना नहीं किया था। मैंने बस ऐसे में आया हूँ, मेरे क्योंकि टेस्ट चल रहा था मंथली वाले, इसलिए वीडियोज भी नहीं आ रही थी, बस आया हूँ मैं ऐसे लेटा हुआ था स्मैकडाउन में। मतलब उठा और नाश्ता वाश्ता किया, फिर मैंने ऐसे ही बैठा हुआ था, कभी TV पे कुछ देख रहे हैं, कभी TV क्या देख रहे हैं, फिर मैंने पढ़ाई। उसके बाद जब मेरे दोनों टेस्ट प्रिपेयर हो गए, मैंने कहा यार चलो अब थोड़ा टीवी भी थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं TV वगैरह, तो मैंने स्मैकडाउन लगाई। तो स्मैकडाउन पे तब कोडी रोड्स का प्रोमो चल रहा था, और उन्होंने फिर जब कोडी रोड्स कहते हैं ना, ब्रे वाइट एंड टेरी फंक, दे बोथ वर का बॉयज ना, तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि क्या हुआ। हाँ गाइस ठीक है, इसके अंदर वो वाले वो नहीं है एरिक रूबन या उसमें से लूक हार्पर सर में से, वरना उनका भी मैच करवाते मिलकर। इन तीनों को भाई इलिमिनेट या शायद एक का ही पिन करके हो जाएगा, तो भी थोड़ा ब्रॉन को भी टैग देते हैं, लेकिन एंड तो मैं ब्रेव बन के करूँगा इस मैच का। ब्रॉन स्ट्रोमन जैसा इंसान इस टाइम पर से और ज़्यादा मोटे होते थे ब्रॉन स्ट्रोमन। भाई यार क्यों इतना डॉज कर रहा है, ये खा एक लात खा, तू एक थप्पड़ खा। अबे यार जाइंट क्लोज लाइन खाएगा ना ब्रॉन स्ट्रोमन की, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। ये भाई हेडबट, ऐसा हेडबट, ऐसा किसी का हेडबट देखा तुमने कि दो दो करोड़ करोड़ बंदों को हिला दे वो। चोक स्लैम भाई सिग्नेचर, सिग्नेचर भी मैंने इनका कनेक्ट कर दिया उन्हें। आप तो जाओ सर जी, सिग्नेचर तो मैंने आपको दे दिया, फिनिशर तो आपको वाइट ही देंगे, वाइट 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 आते के साथ फिनिशर। सिस्टर एबिगेल, रोमन को तो आने का, अबे भाई पिन करो, 1 2 रोमन 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 रोमन। अभी एक फिनिशर उससे लगाएंगे, फिर इससे लगाएंगे, भाई भाई हाँ। तो क्या मैं सोच रहा था, या दीन एम्ब्रोस इधर गया भाई डीन, पहले अपन टैग देते हैं अपने। अभी उस टाइम तो ब्रे वाइट किंग एक तरीके से होते थे, ब्रॉन स्ट्रोमन लूक हार्पर और एरिक रोवन उनका सारा काम करते थे, मतलब वैसे बंदों से वैसे वो भी लड़ते थे। वो वाला मैच भी बड़ा अच्छा था जब पे बैक के अंदर केन थे और पता नहीं फास्ट लेन के अंदर हुआ था, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन ऐसा था कि केन थे एक साइड पे, एरिक रायबैक थे, रायबैक होते थे, और पता नहीं और कौन थे, वर्सेस था लूक हार्पर एरिक रोवन एंड ब्रॉन स्ट्रोमन। वो मैच भी बहुत क्लासिक था, और उसमें ब्रे वाइट की कमेंट्री बड़ी अच्छी हो रही थी। लीडर ऑफ द वर्ल्ड ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए थे, अपनी फुल ब्रे वाइट का टशन था, बल्कि टशन रहेगा, बल्कि टशन था क्या, बल्कि टशन है, टशन रहेगा, और ब्रे वाइट इज द ओनली वन। भाई पावर स्लैम, कैसा पावर स्लैम दिया अपन ने ब्रॉन बनकर, पिन कर लेते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। भाई सो क्यों रोक रहे हो सर इतना, मैं आपको अभी बहुत मारूंगा सीरियसली। इधर आ भाई तू, इधर क्लोज लाइन खा मेरी, एक मोटी सी मोटी ताज़ी वाली क्लोज लाइन, तू इधर है रोमन, ये खा भाई, एक दो दो मुक्के बैक टू बैक पड़ चुके हैं, अभी तू इधर आ, तुझे सेकंड सिग्नेचर की ज़रूरत है, जो ब्रॉन स्ट्रोमन का उस टाइम फिनिशर हुआ करता था, जो अभी भाई साहब ने मतलब जिसने ये मोड बनाया है उसने सेकंड सिग्नेचर में, और लेकिन उसने सही डाला है क्योंकि उस टाइम सिग्नेचर बन गया था। ये ब्रेव वाइट जब फुल नया नया नहीं वो टूटी थी वाइट फैमिली, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन को अलग ब्रांड पे भेज दिया गया था, तो भाई ये तब का मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन है, तो तब उसका सिग्नेचर था ये वाला। भाई उठा लिया रनिंग पावर स्लैम, तू भी जा, हेडबट नहीं खाएगा भाई, मुक्का क्यों मार रहा है मुझे बदतमीज इंसान। भाई ये देखो क्लोज लाइन,
मुझे इसको एक हेडबट दे देना चाहिए। कैल्बो ड्रॉप, अभी ये देखो इसके ये बहुत सही शॉट्स होते हैं। आगे वाला जो इसका ग्रैपल है ना, वो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है, वो है पुश भाई, पुश कर देते हैं ये ऐसे करके, धक्का मारते हैं ऐसे, ऐसा 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 करके धक्का मारते हैं भाई। धक्का तो नहीं मारा अभी, मैंने उसको बैकड्रॉप ज़रूर से दे दिया है। ब्रे वाइट वॉज द किंग उस दैट टाइम, वी मिस दैट टाइम उस, वी मिस। रोमन बहुत टेंशन मार रहे हैं, रोमन बहुत टेंशन मार लिया आपने। टैग दूँ मैं ब्रे को? चलो यार पहले एक और रनिंग पावर स्लैम लगा देते हैं इसको। रोमन को दो रनिंग पावर स्लैम दे चुका हूँ मैं सीरियसली। 1 2 नहीं होने दे गए ये लोग, तो गुस्सा चढ़ा रहे ना। मैं नीचे जाके तीनों को मारने वाला हूँ। ये भाई इस शॉट की मैं बात कर रहा था, धक्का मारू शॉट। इधर आ बे तू, बहुत पंगे लेने थे तुझे, बहुत मारना है ना मुझे, बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। मैं तेरे को धक्का देना चाह रहा हूँ और तू भागी जा रहे हैं हमें। रोमन देव कैसे तबीयत है रोमन? ब्रॉन स्ट्रोमैन एक ह्यूज मॉन्स्ट्रस चॉप मारने के बाद ब्रॉन तैयार भाई। अब खड़ा हो तू, अब खड़ा हो तू, खड़ा होगा ना तुझे सेकंड सिग्नेचर पढ़ने वाला है ब्रॉन का, जो उस टाइम का खतरू सिग्नेचर हुआ करता था। आ जा, जिसको टैग देना दे दे, डीन को देगा। तुम तीनों को वीक होना है। एक मिनट गाइस, मेरी हैंड फ्री भी ऐसे, मेरा हेडफोन भी मेरे कान से निकल चुका है आधा, मैं लगा लूँ। दैट्स नाइस, आवाज़ भी थोड़ी साउंड अप कर लेते हैं यार, ये आवाज़ ख़राब होने लग जाती है ना फीम की, ये बात मुझे बहुत इंतहाई नफरत अमेज लगती है। ओफ भाई ओफ भाई ओफ, तुम तीनों की ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी ये गिर सारे के सारे बदतमीज लोग। सुमन कुत्ते हुए हो, गिरते हुए हो। सिस्टर एबिगेल, जहाँ से मैच शुरू वहीं से मैच ख़त्म। एक प्यारा वाला सिस्टर एबिगेल, 1 2 3 एंड दे वन द मैच। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो का एक बार, अभी मैं तुमसे दूसरी गेम लगाने वाला था, मैं दूसरी गेम लगाने वाला था लेकिन मैं सोचा यार तुम्हें वो एक सीन एक दफ़ा इन दोनों को रीयूनाइट होते हुए दिखा दे, उसके बाद मैं वो गेम चालू करूँ वो वाली। भाई अपन दिखाओ यार, जल्दी करो यार, दिखा दो, बहुत टाइम क्यों ले रहे हो भाई? ऐसे तो कभी ब्रॉन्ज रोमन नहीं उछलते थे, डे वाइट चलो उन्होंने तो रॉबर्ट। मैंने W3D वाली गेम स्टार्ट कर ली है, अभी हम अपन फर्स्ट मैच लगाने लगे हैं। ब्रे वाइट वर्स एंड अंकल हाउडी वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि टैग टीम मैच स्टार्ट हो चुका है। गाना इसमें सुनता है तो तुम लोग गाना सुन लो उनका। अबे यार अड्डू बाबा मत मारो यार ऐसे, ऐसा अत्याच ऐसा गलत बात है। अड्डू बाबा कान में एंट्री नहीं लग गई। अड्डू बाबा हेडफोन उतर गया। अड्डू बाबा बाबाओं के भी बाबा, अड्डू बाबा हम सब के। अबे यार पे बैक का रीना लगाया हुआ, देखो पे बैक की स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाई है और वो मैंने इससे पहले शूट कर ली थी, बहुत इससे कुछ टाइम पहले। तो अब इतना WWE देख लिया कि समझ आ जाता है कि भाई कब कौन सा मैच होने वाला है यार, मतलब कौन सा इवेंट के अंदर कौन सा मैच होने वाला है, तो समझ आ जाता है क्योंकि इतना टाइम हो गया ना WWE देखते हुए, तो अभी अपन को समझ आ जाता है। खड़ा किया इसको अंडू बाबा को और ये हमारा एक सुप्लेक्स। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर रोमन का मैच हुआ तो ब्रे वाइट का फील्ड वाले करेक्टर के साथ हो सकता है या बॉबी लैशली का साथ हो सकता है, लेकिन वैसे तो नहीं होने वाला, अभी अपन को पता ही है रोमन का मैच।
लेकिन अभी उन सब बातों को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपने को है ब्रेवाइट को ट्रिब्यूट देना। ओ हो स्वांटम बॉम्ब बाय द वाइट बाय द सडिस्टिक वाइट एक क्लोज लाइन ड्रॉप। केन को रुको तंग करके आते केन केन को तंग करेंगे भाई केन को तंग करेंगे भर भर के टाइप केन को तंग करने आ रहा था मैं। क्या सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स मार रहा हूँ केन केन के बच्चे केन सर केन के बच्चे नहीं मैं केन के सर केन को एक सुप्लेक्स दे दिया। अंडू बाबा भाई अंडू बाबा पर टारगेट करने का होती अंडू बाबा जैसे गंदे आदमी लोग के सामने ऐसा नहीं करने का खड़ी होती भाई। रेफरी के ऊपर मत रेफरी का गंदा मुंह मत देखो सर अंडू बाबा को देखो अंडू बाबा को देख के मारो भाई। एक रॉक बॉटम रॉक बॉटम दोनों में रॉक बॉटम है तीसरे में तो रॉक बॉटम होंगे क्या ये के शॉर्ट में भी ठीक है और ठीक है। अंडू बाबा सी हरकतें मत करें इन्वर्टेड सुप्लेक्स ठीक है अच्छा लगा मत करें अंडू बाबा नीचे मत जाएं। हाउडी को दूं टारगेट टैग अंकल हाउडी को ये रियल के अंदर भी हो चुका है द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस वाइट लेकिन उसके अंदर अंकल हाउडी नहीं थे उसके अंदर थे अपना लूक हार्पर सर एक ब्रूडीली ब्रोडीली ब्रूडीली क्या होता है नेवर गिव अप भाई नेवर गिव अप के कोई भाई रिंग में चलो भाई यहाँ पे गंदे लोग हैं यहाँ पे ये गेम गंदी हरकतें हों इससे पहले अपने साथ यार मेरा कान मुझे मरवाएगा मेरी हड्डी जो है ना ये मुझे किसी दिन मरवाएगी भाई जोर से अंडू बाबा से मरवाएगी आज ही मरवाएगी किसी दिन क्या मरवाएगी अंडू बाबा बाबाओं के बाबा अंडू बाबा भाई अंडू बाबा से पंगे नहीं लेने का आइंदा के बाद अंडू बाबा नहीं अंडू बाबा ऐसी हरकतें नहीं आप पे सूट करती। अंडरटेकर हो सर आप तो अंडरटेकर हो और एक चोक स्लैम दे दिया अंडरटेकर ने। अभी जब वो देंगे ना अंकल हाउडी को अपन भी टैग देंगे अंकल हाउडी को जब वो देंगे केनु बाबा को एक स्लैम एक थोड़ा यूरिन आगे दे दें थोड़ा अंडरटेकर बनके अंडरटेकर को ये सेंटॉन ये है ब्रेवर्ड का शॉट भाई ये ब्रेवर्ड देते थे बहुत ज़्यादा इसका रे ने भी आज इस्तेमाल किया था स्मैकडाउन के अंदर कल मतलब उफ 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 कितना रिवर्स करते हो तुम बाबा इतना रिवर्स अच्छी बात नहीं थी। हाउडी चीचा नीचे क्यों चले गए ओ अंकल हाउडी हाउडी चीचा व्हाई आर यू नीचे हाउडी भाई ऊपर आओ यार देखो ये तो मेरा पार्टनर ऐसा गधा है वो मुझे डिस्क्वालीफाइड करवाने के चक्करों में वो कह रहा है कि भाई मैं सामान से मार डालूं उसको। अच्छा अच्छा अंडू बाबा को इन्होंने छोड़ा अपन कूद के मारेंगे अंडू बाबा को अंडू बाबा आपका रिवर्स यार अंडरटेकर की लात वाला शॉट मेरे को बहुत मनहूस लगता है सीरियसली क्योंकि बिग बूट ना ऐसा बिग बूट खींच के मारते हैं अंडरटेकर और बंदा गिर जाता है यार भाई साहब रिवर्स हो चुका है अपना अपन भाई बहुत मारेंगे भाई अंडू बाबा आपको सर सर यार इस पे भी टारगेट करो भाई ब्रेव वाइट सर आप भी क्या कर रहे हो सर जी सर भाई किक भी नहीं लगती अंडू बाबा जैसे जज्बाती इंसान को ऐसा कौन चूक स्लैम पकड़ देता है यार मुंह से पकड़ के चूक स्लैम दे रहे हैं इज्जत विज्जत ओ भाई हाउडी चीचा से ये भी ना हुआ हाउडी चीचा अबे यार ये क्या दिखा रहे हो सर कैमरा एंगल चेंज करने को पोर्ट्रेट रैंडम रैंडम इज बेस्ट नाउ भाई हाउडी चीचा को दो दो बंदे मिल मिल के मार रहे हैं भाई अपने को क्या हाउडी चीचा को मार रहे हैं मेरे को थोड़ी ना मार रहे हैं अच्छा पकड़ के मारो हाउडी को इज अंक हाउडी इज अंक हाउडी अंकल हाउडी की कसम अंकल हाउडी को किसी ने हाथ लगा के दिखा हाउडी चीचा को हाथ नहीं लगाने का रे बाबा हाउडी चीचा को नहीं लगाने का हाउडी चीचा को लगाने का मतलब बुरे से दुश्मनी लेने का और बुरे से दुश्मनी लेने का मतलब के अपनी सांसों को गिनने का निकम्मा भाई था ना अंकल हाउडी निकम्मा है भाई थोड़े से
अंक हाउडी और निकम्मे वाले भाई थे। ठीक है हैप्पी मैन बोर्ड एलिस, निकम्मा था थोड़ा। हाँ भाई हाउडी चीचा, मेरे को क्यों मार रहे हो यार? हाउडी भैया, हाउडी भैया, गंदी हरकतें नहीं करने का, अपन दोनों हैं भाई भाई। अबे ये क्या था, अपन ने दिया, अंडू बाबा ने रिवर्स कर दिया, अंडू बाबा ने रिवर्स कर दिया। अंडू बाबा कुछ रिवर्स ना करे ऐसा हो नहीं सकता। अंडू बाबा भाई रिवर्स कर रहे, केन भी हथौड़ा लेके खड़ा हुआ मेरे सर पे। केन गंदे आदमी, गंदी हरकतें मत कर केन, केन गंदे आदमी, केन भाई गंदी नजरों से मत देख, केन केन मत दे मुझे पेन भाई, केन इज डिलीवरिंग मी पेन। रेवाइट अंडरटेकर, अंडरटेकर यू आर माय टारगेट नाउ, यू आर माय ऑफिशियल टारगेट नाउ। शेड या भाई, लगा लगा भाई भाई, वो मैंने हाउडी चीचा को थोड़ी ना मर दिया। मेरे हेडफोन्स की भी भाई गाली देने का मन करता है मेरे को भी। अबे दौड़ो भाई, हाउडी चीचा अंकल, हाउडी चीचा और समथिंग चीचा चूचा। रेफरी को पेल दिया इवन अंडू बाबा ने, अंडू बाबा भी लाइक रेफरी तक को नहीं छोड़ेगा रे बाबा, आज जज्बाती है रे बाबा। यार रेफरी को क्यों मार रहे हो, वाइट सिक्स के लीडर सर। सर एक स्लैम देने दो, एक ये मनुवर सेंटॉन दे देते हैं भाई, अपन एक और, अब एक सबमिशन देते हैं भाई मैंडेबल क्लो इनको, अगर मैंडेबल क्लो हुआ इसमें है, क्यों नहीं है भाई ये मैंडेबल क्लो अपना वाला एकदम भाई, मैंडेबल क्लोज मैंडेबल क्लोज और मैंडेबल क्लो देते हैं इनको यहाँ पर जाके। हर बार के अपन को कूदना पड़ेगा। एक और रॉक बॉटम, अपन अंकल को भी देंगे, अंकल अंकल को भी देंगे भाई। ये कैसे 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 कैमरा एंगल आ रहा है भाई आजकल के ज़माने में, क्या क्या दिखा रहे हैं रे पापा, क्या क्या दिखाते हो रे अपने को, कैमरा सही करना। थर्ड पर्सन इज द बेस्ट कैमरा एंगल एवर, थर्ड पर्सन भाई, थर्ड पर्सन स्पेक्टेटर भी अच्छा है, स्पेक्टेटर रुको 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 रुको, हाँ थर्ड पर्सन ज़्यादा सही है। ठीक है अपने को टेंशन दिक्कत दिक्कत है ही नहीं। दौड़ाया उसको, दौड़ा दिया, ओ स्नैप मेरा टेक डाउन। यार मेरे हेडफोन्स की भी गिर ही जाते हैं भाई बार बार मेरे कान से, बदतमीज बदतमीज भाई बदतमीज, अलग ही लेवल बदतमीज। इधर आ भाई अंडू बाबा, वन मोर रॉक बॉटम, टेकर बोलेंगे अपना शॉट देना भाई। हाँ भाई एक और, एक और सेटिंग सेंटॉन भाई, ये जो लात है ना अंडरटेकर की, टांग पकड़ो अंडू बाबा की, टांग पकड़ो सबसे पहले, सबसे पहले अगर कोई काम करने का है ना अंडू बाबा से बढ़ने से पहले उनकी टांग पे कब्जा करने का। अभी तुम्हें थोड़ा सा कड़कड़ महसूस। अबे ये कौन आ गया भाई 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 भाई, ये कौन इंसान आ रहा है भाई रिंग में, द आंद्रे दी जायंट भाई, आंद्रे दी जायंट भैया तो कब के गुजर गए, सॉरी फॉर दैट आंद्रे भैया। देखो मैं तो आपके ज़माने का था नहीं, जब आप रेसल करते थे तब तो अपन थे नहीं ना, अब तब तक तो ब्रेवर्ड आई थिंक तो पैदा तो हो चुके होंगे। आंद्रे भैया गंदी नजरें मुझ पर क्यों रख रहे हो, आंद्रे भैया भाई, आंद्रे भैया आंद्रे दी जाइंट, इतनी आप जाइंट किस्म की हरकतें कर रहे हो ना, फिर मैं भी जाइंट किस्म की हरकतों पर आया ना फिर। तो गाइज आपको आज मैं आप लोगों से एक चीज़ कमेंट्स में पूछना चाहता हूँ, इसका रिप्लाई ज़रूर से कर देना। आपका कौन सा फेवरेट वर्जन है ब्रेवाइट का? मेरा पर्सनली फेवरेट वर्जन है ना वो है अपना फीज ब्रेवाइट, क्योंकि ही वॉज द गोट इन माई वे, मुझे तो वही वही गोट लगता था, खतरू था फीड भी। और अभी भाई मैंने बहुत सारी एक मीम पढ़ी, एक मतलब वहाँ पे जगह पे एक वो पढ़ा, मीम बना रहे लोग ये कर रहे हैं भाई, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ पढ़कर।
मतलब बहुत ज्यादा रोना आया कि कहा कि ब्रे वाइट और अभी क्या नाम है अपना लूक हार्पर सर अब हेवन में टैग टीम बनाएंगे, और ये ब्रदर्स ऑफ हेल अंडू बाबा क्यों तंग कर रहे हो सर, मजे आ रहा है मुझे सताकर, मजे आ रहे हैं मुझे सताकर, जीत गया अंडू बाबा। और कहना अभी अपन बहस नहीं करने वाले, अभी नेक्स्ट मैच लगा लेते हैं। नॉर्मल मिशन नॉर्मल मैच ओनली वन अंको हुडी नाइन चलो भाई लगा दें अपन मैच शुरू करें। आगे लंबी वीडियो हो चुकी है, ये लास्ट मैच होगा इस वीडियो का। मैच स्टार्ट हो चुका है, अभी तुम गाना सुन लो इनका, तब तक मैं अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेता हूँ। पर्सनली मॉडल्स को सलाम कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बनाया है। इवन ब्रेव वाइट की निक अगर तुम लोग गौर से देखो न, वो जो नोज है उसमें नोज पिन भी है। सलाम भाई सलाम, स्टार्ट करो भाई। रेफरी को मार ले तू, ब्रेव वाइट सर आप रेफरी को मार लो यार एक, और ब्रेव वाइट हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट हो ही जाएंगे इस साल मुझे लगता है। हाँ इस साल हो जाएंगे वो इंडक्ट, क्योंकि और ब्रे वाइट को यार जब हमने जो लास्ट उनकी वो क्या कहते हैं मैच था, जो उनकी लास्ट सेगमेंट था WWE के अंदर, मैच तो ऑफ कोर्स एलए नाइट के साथ था लास्ट, लेकिन जो स्मैक सेगमेंट था उनका लास्ट, ब्रे वाइट को ब्लडी कर दिया यार ब्रॉक लेसनर, गंदा आदमी यार ब्रॉक सर। ये बात नहीं होती सर, सर स्टार्टिंग में गंदी हरकतें नहीं होती सर, सर अगर स्टार्टिंग में गंदी हरकतें करता है ना ही इज गंदा आदमी, एंड वी विल बी ब्रे वाइट द अच्छा आदमी। ब्रे वाइट बन के एक स्कल क्रशिंग फिनाले, क्या ही कॉन्ट किया मेरे भाई को, अब क्या करोगे ये खाओ एक सेंटॉन। अभी तुमको भाई गिरा गिरा के मारना पड़ेगा मुझको, ये ले एक हरी के रा ओ एक यूरे नागी, अबे यार मैं देने लगा था वही रिवर्स हो गया। सीधा कर लो भाई इसको और ये दे दे कनेक्ट विद एन MDKO। अब इसको कॉर्नर में फेंकना था, कॉर्नर में नहीं फेंक पाए, कोई नहीं स्टेप में टेक डाउन, और ये लो एक स्टेप में टेक डाउन के बाद ये वाला मनूवर, लेट्स गो भाई मनूवर्स की कोई कमी नहीं है। एक क्लोज लाइन ड्रॉप और अपने पास आने वाला है सिस्टर एबिगेल, लेट्स गो डैम सुई। ये वाला ब्रे वाइट का ओहो स्टाइल कितना मस्त है ब्रे का, तो ब्रे का ओ भाई भाई जाओ भाई गिरो नीचे, रिवर्स जो आप कर देते हो ना ब्रॉक लेसनर, इतना प्यारा मैच जा रहा था अभी आपको पंगे थे मैच रिवर्स करने के, वो तो कोई स्टाइल मारने दो मुझे, कितना अच्छा स्टाइल आया था यार ब्रे का, ये वाला मुझे बहुत पसंद लगा। मैं इसको 3-4 दफा भी बैक टू बैक करूंगा, जो करना है कर लो यार। ब्रॉक लेसनर की बैक अपन देखने नहीं आए इस रिंग के अंदर, यार ब्रॉक का बैक नजर आ रहा है पूरा का पूरा, ब्रॉक की बैक नजर आ रही है, कितना प्यारा लग रहा है ब्रॉक का टैटू यहाँ से। ब्रॉक सर मैं यहाँ पे चढ़ जाऊंगा, कूदो मेरे ऊपर, कूदो 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 कूदे, और मैंने तो हट गया खड़ा करने के लिए भाई, ये सिर्फ एक टेक्निक है खड़ा करने की। ये ले रॉक बॉटम, और ब्रेवाइट के ब्रॉक की ब्रेवाइट की डेथ एस के अभी तक तो कह रहा है कि हार्ट अटैक से हुई है,
लेकिन ब्रे वाइट को बहुत दुख था अपना लूक हार्पर का जाने का, क्योंकि लूक हार्पर बहुत क्लोज फ्रेंड थे उनके। एक और सिस्टर एबीगेल, सिस्टर पे सिस्टर, एबीगेल पे एबीगेल, वाह वाह वाह। दो फिनिशर से पहले तो कोई आम आदमी नहीं जाता, तो फिर ये भी, ये तो फिर भी अपना ब्रॉक लेसनर है। यार मैं सोच रहा हूँ एक लास्ट मैच खेल लेते हैं एक्सट्रीम रूल्स का अरीना लगा के ना, एक्सट्रीम रूल्स में किसके अंदर इनका मैच हुआ था, रॉयल रंबल का अरीना लगा के, और बस लास्ट मैच जो ब्रेक का हुआ था एल एन आई के खिलाफ ऐसा ही कर लेते हैं, और बस थैंक यू ब्रेक कह के बस चलते हैं अपन, वीडियो एंड करते हैं। यार छोड़ो बहुत हो गया, पिन कर लो यार, सिस्टर एबिगेल तो मैंने दे दिया है, सॉरी ब्रॉक पिन हो जाओ, ब्रॉक हैज पिंड भाई, वाह वाह। अभी अपन इसकी जगह डाल देंगे एल एन आई को, अरीना लगा देंगे रॉयल रंबल का, या एक्सट्रीम रूल्स का लगा देते हैं। तो मैंने लास्ट मैच लगा दिया यानी कि एल ए नाइट ये के साथ, एल ए नाइट ये के साथ लगा दिया मैंने। तो गैस हमने लगा दिया फाइनली वो मैच, लास्ट मैच, और एक्सट्रीम रूल्स का एरीना लगा दिया जिसमें ब्रे रिटर्न आए थे। यार इट्स इमोशनल। और भाई स्टार्ट करते हैं अपन तेरे साथ, एल ए नाइट ये, एल ए नाइट ये भाई, एल ए नाइट ये भाई, एल ए नाइट ये भाई, भाई 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 भाई, सस्ते रॉक स्पाइन बस्टर दे रहा है भाई 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 भाई, किक आउट किक आउट किक आउट किक आउट, ऐसी हरकतें होनी नहीं चाहिए। एक ये लास्ट टाइम मैंने कहा लास्ट मैच तो उनका रॉयल रंबल में था, लेकिन रिटर्न तो लास्ट टाइम इसमें याद है ना, ब्रे वायट भाई मत मार मुझे, मुखिया मत मार, गंदे आदमी मत मार मुझे, गंदा आदमी, गिराओ भाई इसको, खड़ा करो उसको, MDKO दो इसको, MDKO, एक और मनूवर, एक बैक सुप्लेक्स देने की मेरे गंदे इरादे थे जिसको रिवर्स किया, और एक सेंटॉन जो ब्रे वाइट का एक मस्ती मनूवर था। यार ये नहीं दूंगा तो थोड़ा थोड़ा अधूरा लगेगा मैच, अब ब्रे वाइट लाजमी देते थे ये सेंटॉन, और रे ने भी ये सेंटॉन दिया जो भी काफी इमोशनल था। यार एल ए नाइट ये स्पाइन बस्टर ये क्यों नहीं जा रहे, ये एल ए नाइट ये, एल ए नाइट ये भाई, एल ए नाइट ये, तू एक और एल ए नाइट आ जाओ यार, कुछ टेबल तोड़ देते पब्लिक। देखो एक लाइन जैसे माइकल कोल ने बोली थी कि हम इंटरटेनर्स हैं, और ब्रे वाइट और वो टेरी फंक हमेशा चाहेंगे कि हम इंटरटेन ही करें, तो चलो भाई तुमको इंटरटेन कर देते थोड़ा टेबल वेबल फोड़ के, आ जाओ एल ए नाइट ये, एल ए नाइट ये, ब्रे वाइट कितने प्यार से बुला रहे हैं एल ए, एल ए नाइट ये भाई, एल ए नाइट नहीं आना, मैं विमेन रेफरी को लेकर टेबल फोड़ दूंगा, ब्रे वाइट बहुत ही सुडिस्टिक इंसान है। अबे यार ये तो रिंग में मार मार के फोड़ने लग गए यार, विमेन रेफरी सॉरी, नहीं नहीं एल ए नाइट आएगा भाई, अपन विमेन्स पे हाथ नहीं उठाते, ब्रे वाइट काफी ज्यादा रिलैक्स इंसान थे अगर रियल लाइफ की बात किया जाए तो, भाई अपन ब्रे वाइट के रियल लाइफ थोड़े गिमिक लाएंगे इधर। अबे यार खड़े हो जा, टेबल तोड़ दे इसके ऊपर, टेबल तोड़ दे भाई, 7 तक की काउंट हो चुकी है, ये मैच मैं ऐसे नहीं हारना चाहता। MDKO टू अ टेबल भाई 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 भाई, भाई 8 तक की काउंट हो चुकी है, 9 तक की काउंट हो जाएगी यार, यार भाई जल्दी 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 जल्दी, ओ शूट 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 शूट, एल ए नाइट, अब एल ए नाइट पे टारगेट रखना भाई, अभी अपना टारगेट है एल ए नाइट है। यार ये विमेन रेफरी की भी ऐसी कैसी थी ना, ये हर वक्त आई रहती है इस टेबल के ऊपर, अब इसकी गलती है यार, मेरी गलती नहीं है,
इस वाले एलेनाइट टेबल मत फोड़ियो, टेबल फोड़ा मैं तुझे फोड़ दूंगा भाई, तू इधर आ, तू इधर आ, बहुत ज्यादा डोले छोले दिखा रहा है ना। मैं रेफरी में भी दम नहीं है, इसमें भी दम नहीं है, कहाँ तू है आ टेबल पे, अगर दम है तुझमें, यू डोंट हैव दम मूव, यू डोंट हैव दम। सबसे ज्यादा हिम्मत वाली तो ये विमेन रेफरी है क्या, सीरियसली? एटलीस्ट MDKO2 LA Knight ऑन द टेबल, कैसा लगाया? ओ LA Knight ये के ऊपर एक और स्प्लैश, हमने भी ये आके के कूद दिया भाई, अभी इसको टेबल खड़ा करने की पड़ी होगी, तो कितने सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, टेबल तोड़ने के बाद फिर खड़ा कर देते। अपन भी जाए भाई, अपन इसको जाके एक जर्मन एक सुप्लेक्स दें, अपना फिनिशर आने वाला है बस गाइस, इसको अपन एक उससे ही सिस्टर एबिगेल से ख़त्म करेंगे। आई हैव टू पिन हिम, बस थोड़ा सा टाइम है, अपना फिनिशर आया आया क्या आया भाई, वाइट तक का मोमेंटम तो एटलीस्ट भर ही जाना चाहिए, आई वॉन्ट इट यार, मैं चाहता हूँ कि भाई पूरा मोमेंटम मेरा गेन हो जाए जल्दी से, कि अपन इसको हराएं और ख़त्म करें आज की वीडियो। और यार ब्रेवेट को जाते से बस RIP ब्रेवेट सबने लिखना है इस वीडियो के अंदर, RIP ब्रे, ब्रेज द गोट, ऐसे ऐसे कॉमेंट सब करना, बिकॉज ही वॉज द गोट। यार कौन ऐसा सेलिब्रिटी होता है, सेलिब्रिटीज तो अलग ही टेंशन में आए होते हैं, जो पब्लिक में जाके अपने मतलब प्राइवेट में जाके अपने फैन से बात करे, होता है ऐसा कोई सेलिब्रिटी? आई नेवर सी हिम, आई नेवर सी अ सेलिब्रिटी लाइक दैट, इवन मेरी बात तो नहीं हुई लेकिन मैंने सुना है भाई कि काफ़ी सारे लोगों से कि वो प्राइवेट में जाके और एयरपोर्ट पे जहाँ पे भी उन्हें मिले वो कभी ऑटोग्राफ से मना नहीं करते ब्रे, तो इतना अच्छा इंसान हमारे दुनिया से जा चुका है, हम लोगों ने खजाना खो दिया है भाई, मैंडिबल क्लॉ दे दिया बस हमने एड में, ये मैंडिबल क्लॉ, और इसी के साथ भाई ये मैच खत्म होने वाला है। अबे यार छोड़ भाई LA Knight यार, LA Knight सिस्टर एबिगेल, पिन करो भाई इसको, पिन 1 2। यार ये क्या बदतमीजी है, LA Knight ये नहीं होता, सिस्टर एबिगेल, यार ये तो दोबारा खड़ा हो गया सिस्टर एबिगेल के बाद, सिस्टर एबिगेल यार मेरा फिनिशर आ गया था, फिर भी रिवाइट ने रिवर्स कर दिया, फिर LA Knight ने यार रिवर्स कर दिया, क्या करूं मैं LA Knight के साथ, LA Knight एक और फिनिशर चाहिए तुझे, तो इतना मार दिया यार मैंने, देखो भाई इसको सबमिशन देके भी अपन अपना ये मीटर फुल कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सबमिशन ही लगा दिया है, क्योंकि इससे ही अपन का मोमेंटम फुल होगा। शेप मारा एक बॉडी सुप्लेक्स, ये मारा एक फ्रंट सुप्लेक्स जिसका रिवर्स फिर कर दिया हमारे LA Knight, गया वाले भाई LA Knight, यार मत करो भाई, मत करो ऐसी हरकतें, मत करो भाई ऐसी हरकतें, MDKO खा लो भाई, LA Knight भाई मत कर यार ऐसी हरकतें, मैं तेरे को सीरियस कह रहा हूँ, ये ले भाई एक सेंटोन, मैं चढ़ चुका हूँ रस्सी, रस्से पे, रस्से से एक स्कल क्रशिंग फिनाले, अबे रिवर्स कर दे यार, रिवाइट रिवर्सल, उस रेफरी तक को गिरा दिया पागल ने, LA Knight ये ले एक आखिरी क्लोज लाइन, अब आ चुका है अपने पे दूसरा फिनिशर, LA Knight फिनिशर खा ले अब तू आखिरी अपना, 1 2 3 एंड योर विनर इज ब्रेव एड। तो गाइस ये वीडियो खत्म हो रही है, तो इस वीडियो के खत्म होते के साथ मैं तुम सबको कहना चाहता हूँ यार, सब RIP ब्रेव एड कर दो,
RIP ब्रे वाइट, और ये ट्रिब्यूट वीडियो थी मेरी तरफ से ब्रे वाइट को। तो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर स्पेशल वीडियो होगी ब्रे वाइट की। तो यार ट्रिब्यूट टू ब्रे वाइट, लव यू ब्रे वाइट, थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग इस। और जाने से पहले याउई वावी, और एक आखिरी बात जाने से पहले, इफ़ यू एवर सी मी जस्ट रन।